दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे वारी राजेश के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं एंड इस वीडियो के अंदर हम क्वार्टर 2 के रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे कंपनी के रिजल्ट इस बार देखने को मिल रहे हैं एंड देखेंगे कि भाई कल इस रिजल्ट का कंपनी के स्टॉक पर क्या जो इफेक्ट है वो पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है एंड भाई जो भी ये नंबर्स है ये आपके मिलियन में जिनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों की ईयर टू ईयर का कंपेरिजन करेंगे एंड क्वार्टर क्वार्टर का भी कंपेरिजन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आपके दोस्तों 6 मंथ का कंपेरिजन है, ये लास्ट ईयर का है, ये पिछले क्वार्टर का है, ये आपके लास्ट ईयर क्वार्टर का है, ये पिछले क्वार्टर का है, ये अभी के क्वार्टर का है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी की सेल्स यानी कि इस बार कंपनी ने कितनी सेल्स जनरेट करी है। तो यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ, जैसा कि आप देखोगे ये इस क्वार्टर की सेल्स है, ये पिछले क्वार्टर की लास्ट ईयर क्वार्टर की सेल्स है। देखिए इस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू है 3663 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ईयर ये रेवेन्यू भाई ऑलमोस्ट 3558 करोड़ का था। ऑलमोस्ट देख ले तो ईयर टू ईयर भाई कंपनी की सेल्स हमें 100 करोड़ के आसपास जंप देती हुई देखने को मिल रही है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो ऑलमोस्ट भाई कंपनी की सेल्स के अंदर हमें यहाँ पे 5 से 7% का जंप देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वही अगर मैं क्वार्टर क्वार्टर बात करूँ तो 3496 करोड़ की सेल्स हमें बढ़ के 3663 करोड़ की होती हुई नजर आ रही, जो कि बहुत ही अच्छी बात। ऑलमोस्ट देखें तो यहाँ भी भाई 8 से 9% की सेल्स में जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि देखें तो कंपनी की सेल्स भाई ईयर ऑन ईयर भी बढ़ी है एंड क्वार्टर क्वार्टर भी दोनों तरह से सेल्स में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जिस प्रकार मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पे जो उम्मीदें थी, उसी प्रकार हमें कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस कितने देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये इस क्वार्टर का खर्चा, ये पिछले का, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का खर्चा, इस क्वार्टर में कंपनी का जो खर्चा है आप देख सकते हो 3164 करोड़ का हमें खर्चा देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 2965 करोड़ के खर्चे थे एंड लास्ट ईयर क्वार्टर में भाई 3123 करोड़ के खर्चे थे। जिस प्रकार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं एंड जिस प्रकार रेवेन्यू घटता है खर्चे भी घट जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ईयर टू ईयर भी खर्चे बढ़ रहे हैं एंड क्वार्टर क्वार्टर भी खर्चे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, यानी कि कंपनी ने जितना ज्यादा काम करेगी उसके पीछे कॉस्ट भी आएगी। तो इस वजह से आप देखोगे थोड़ा सा खर्चा हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अब भाई टोटली बात आती है हमारी प्रॉफिट की कि भाई इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। तो एक बार हम प्रॉफिट देख लेते हैं, इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा है। तो आप देखोगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसको मैं जूम कर देता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे ये इस क्वार्टर का प्रॉफिट है, ये पिछले क्वार्टर का, ये लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है। देखिए पिछले क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 401 करोड़ का एंड इसके पहले कंपनी का प्रॉफिट था 320 करोड़ का एंड अभी कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है 375 करोड़ का, यानी कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें घटता हुआ देखने को मिला है, इसलिए जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कम हो चुका है। यानी कि मान के चलिए पिछली बार कंपनी ने 100 करोड़ रुपए पे अगर 20% का ओपनिंग प्रॉफिट था, यानी कि 20 लाख रुपए कमाए थे, तो इस बार कंपनी ने भाई 16 से 17 लाख ही कमाए, यानी कि ओपनिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला। तो ये चीज़ है एंड देखिए इस क्वार्टर में अगर देख ले तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 375 करोड़ का हो चुका है पिछले लास्ट क्वार्टर से 320 करोड़ से बढ़ के। ऑलमोस्ट प्रॉफिट के अंदर देख ले तो वाई टू वाई कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हमें भाई 10 से 15% का जंप देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए जो बड़े प्लेयर्स है भाई FIDI वाले, वो वाई टू वाई जज करते हैं एंड आपके जो रिटेल है भाई वो क्वार्टर क्वार्टर जज करता है। तो बड़े प्लेयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बेटर तरीके से है, बट अगर हम क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में गिरावट आई है। 401 करोड़ का प्रॉफिट 375 हो गया, यानी कि 25 से 26 करोड़ का प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट भाई क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट के अंदर हमें यहाँ पे 5 से 6% की गिरावट आई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बट फिर भी भाई कहें तो अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट स्टॉक के लिए हो चुका है, जिस पर कल स्टॉक थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकता है प्राइस पे। अब इसके बाद बात आती है कंपनी के अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है उसका क्या शेयर है, वो कितना हो चुका है। तो अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे भाई पिछले क्वार्टर तक अर्निंग पर शेयर था 14.98 रुपये का, लास्ट ईयर क्वार्टर भाई 12.90 रुपये का था एंड इस क्वार्टर में लास्ट ईयर क्वार्टर से बढ़ के हो चुका है 12.70 रुपये से बढ़ के 13.75 रुपये का हो चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 14.98 रुपये का था। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट बढ़ा है एंड यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट हमें घटता हुआ देखने को मिला है, तो इसलिए हमें अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिला है। अब सबसे मेन बात आती है कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी कि कंपनी का कर्जा वगैरह क्या है, बैलेंस शीट क्वार्टर में अपडेट हुई, तो एक बार हम इस पर नजर डाल लेते हैं। तो कंपनी के टोटल अगर एसेट्स देखें अभी के टाइम, तो टोटल एसेट्स में आप देखोगे जो कंपनी के एसेट्स भाई अभी के टाइम में देखने को मिल रहे हैं 14,034 करोड़ के, ठीक है ना, 14,034 करोड़ की कंपनी करंटली एसेट्स है, जबकि पिछले क्वार्टर में 11,313 करोड़ के एसेट्स थे। तो एसेट्स बढ़े हैं, डेफिनेटली अच्छी बात है एंड इसके साथ जो कंपनी का भाई जो बोरोविंग्स होगी देख लेते हैं यहाँ पे। तो बोरोविंग्स के अंदर आप देखोगे तो अभी के टाइम कंपनी की जो बोरोविंग्स है 296 करोड़ है, 285 करोड़ से बढ़ के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इसी के साथ अगर हम अभी के टाइम डाटा देखें तो इसमें मेन आता है भाई कंपनी का यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज पर नजर डालें भाई तो लाइबिलिटीज देखिए 78 यानी कि देखें तो भाई 7,874 करोड़ की है, जो कि पिछले क्वार्टर 5,423 करोड़ की थी। तो ये बढ़ी है, तो जिस प्रकार एसेट्स बढ़ते हैं लाइबिलिटीज भी बढ़ती हुई नजर आती है। अब भाई मेन चीज़ है कि रिजल्ट कैसा रहा है। तो देखिए रिजल्ट अगर मैं वाई टू वाई देखूँ तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बट क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट हमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी वाला रहा है। सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए था, बट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। अब मुझे लगता है कि कल इसको मार्केट थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकता है, इतना रिजल्ट देखने को नहीं मिला जितना तोड़ फोड़ देखने को मिलना था। तो देखते हैं मार्केट अब कल कैसा लेता है। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड बेल आइकन को छोड़ो ताकि ऐसे ही कंटिन्यू ऐसे ही जो अपडेट्स आपको मिलते रहे।